हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। मैं सुनील शर्मा आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट लेके आया हूँ। हम सभी के माइंड में एक कन्फ्यूजन चल रही है कि सीटेट जो एग्ज़ाम है 5 जुलाई 2020 का जो एग्ज़ाम है जो होगा कि नहीं होगा, ये हमारे माइंड में बहुत क्वेश्चन हमें तंग कर रहा है और हमारे माइंड में कन्फ्यूजन भी है कि हमें प्रेपरेशन कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। इन सभी जो कंफ्यूजन को मैं दूर करूंगा इस वीडियो से। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि सीटेट का एग्जाम 5 जुलाई को होगा कि नहीं होगा। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है हमारे माइंड में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि कोविड-19 के कारण जो हमारे इंडिया में केसेस काफी बढ़ रहे हैं और डे बाय डे हर स्टेट में केसेस इंक्रीज हो रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो इफेक्टेड हो रहे हैं इस कोविड-19 के कारण। तो इस केस में गवर्नमेंट ने भी लॉकडाउन कर रखा है और हमारे आसपास भी आपने देखा होगा कि हमें जो ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा होने पे भी मनाही है और सोशल डिस्टेंस को भी हम फॉलो कर रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं जो हमें कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा सीटेट का जो एग्जाम है 5 जुलाई उसमें क्या होगा, यानी वो होगा कि नहीं, यानी वो कंडक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे एक और अपडेट देख लेते हैं साथ में ही। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट ने भी अनाउंसमेंट की है कि 30 जून तक कोई भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, यानी कहीं पे भी सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा। अब हम सब जानते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है वो थ्रू आउट इंडिया होता है और हर स्टेट में कंडक्ट किया जाता है। तो जैसे इंडिविजुअली गवर्नमेंट्स अनाउंस कर रही है कि सामूहिक कार्यक्रम नहीं होगा, तो इस केस में भी ये एक डाउट क्रिएट हो जाती है कि सीटेट का जो एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें जो हमें कंफ्यूज कर रही हैं, तो इसकी कंफ्यूजन का हल यही है कि मींस आप इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहें और अलग अलग अफवाहों से बचें। और मेरी तो यही आपसे सजेशन है कि आप सीटेट की जो प्रेपरेशन है उसको ब्रेक डाउन मत कीजिए, उसमें ब्रेक मत लीजिए, सीटेट की प्रेपरेशन आप करते रहिए। क्योंकि जब भी आपका एग्जाम अगर पोस्टपोन होता है, क्योंकि कंडक्ट तो होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है, कंफर्म नहीं है कि 5 जुलाई को ही होगा, हो सकता है कि आगे पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि कोविड-19 से काफी स्टेट्स जो अफेक्ट हो रहे हैं तो केसेस भी बढ़ रहे हैं इंडिया में। तो इस कारण ये पोस्टपोन तो डेफिनेटली होने के चांसेस मैक्सिमम है। तो आपने अपनी प्रेपरेशन को लूज नहीं करना, अपनी प्रेपरेशन को रोकना नहीं है, तो आप प्रेपरेशन करते रहिए। तो मेरी यही सजेशन है कि आप सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in उस पर टच पे रहिए और हमारे साथ हमारे चैनल पे भी टच पे रहिए। जैसे ही कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट आती है तो मैं आपको एक वीडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्म करूंगा, अपडेट करूंगा। फिलहाल मैं आपको सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं आई है। तो गाइज आप देख सकते हैं कि सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे अभी तक कोई भी न्यूज एंड इवेंट के कॉलम में देखें राइट साइड पे, तो वहां पे कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं निकल के आया कि सीटेट का एग्जाम पोस्टपोन हो रहा है कि नहीं हो रहा। फिर भी आप इस वेबसाइट पे टच पे रहिए, हमारे साथ टच में रहिए, क्योंकि मैं आपको अपडेट इसके बारे में बताऊंगा ही। यहाँ पे फाइनल हमारे दिमाग में यही बात आती है हमारे माइंड में कि हमें प्रेपरेशन रोकनी नहीं है, आप ऑनलाइन इसकी प्रेपरेशन करते रहिए। क्योंकि अगर पोस्टपोन भी होता है तो और कहीं पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना इस डेट को लेके, क्योंकि जब भी अनाउंसमेंट आ जाएगी न्यू डेट की या नई अनाउंसमेंट आ जाएगी या कुछ अपडेट आ जाएगा तो आप उस अपडेट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रेपरेशन को नहीं रोकना आपने। लेकिन फिर भी आप ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट जब तक नहीं आती तब तक आपने किसी भी इंफॉर्मेशन पे विश्वास नहीं करना और अपनी प्रेपरेशन करते रहना है। हमारे साथ जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मैं नई नई वीडियोस और नई नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।